बांग्लादेश का जो नामी गिरामी सबसे ज्यादा बड़ा होटल है, जो कि जो बड़े रिच लोग आते हैं वो इसी में रुक के जाते हैं। तो पंगा हो गया भाई अभी। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ कॉक्स बाजार बांग्लादेश के अंदर, और अभी कॉक्स बाजार शहर के अंदर हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस साइड में बीच, जो कि अपना जो इंडिया का लास्ट पॉइंट पे लक्षद्वीप महासागर है वो इस साइड में है। जो बांग्लादेश साइड में क्या बोलते हैं उसका फिलहाल पता नहीं है। ये समुंदर वो क्या बोलते हैं, कॉक्स बाजार नहीं, समुंदर वो क्या बोलते हैं, समुंदर को कॉक्स बाजार बोलते हैं, कॉक्स बाजार ही बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप महासागर बोलते हैं, इसको कॉक्स बाजार बोलते हैं। तो ये है मेरे साथ रोनी भाई, जो कि अभी बता रहे हैं कि इसको कॉक्स बाजार ही बोलते हैं समुंदर को। तो अभी हम कॉक्स बाजार शहर को घूमने के लिए जा रहे हैं सामने, और देख सकते हैं अभी ये नज़ारा है कुछ बाहर का, जो यहाँ पर अभी होटल वगैरह आपको बिल्डिंग वगैरह दिखाई दे रही होंगी। तो अंदर चल रहे हैं बस। तो चलिए फिलहाल बने रहिए, लास्ट तक आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर कॉक्स बाजार में क्या क्या है अभी फिलहाल। तो भाई बांग्लादेश का जो नामी गिरामी सबसे ज़्यादा बड़ा होटल है, जो कि जो है सबसे बड़ी जो फैमिली मतलब आते हैं, जो सबसे बड़े रिच लोग आते हैं वो इसी में रुक के जाते हैं। ये पैराडाइज होटल है, जो कि काफ़ी रईसों के लिए बना हुआ है ये होटल। तो बांग्लादेश और कॉक्स बाजार साइड में सबसे नामी गिरामी होटल बस यही है। तो ये वाला है कॉक्स बाजार का मेन चौक, जो जहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ही बस वगैरह आती है। ये डेल्फिन चौक है, डेल्फिन चौक है, ये क्या नाम है इसका, डेल्फिन चौक, डॉल्फिन मॉल, डॉल्फिन मॉल। तो यहाँ से ही बस वगैरह आती हैं और यहाँ से ही जाती हैं। तो चलिए शहर का नज़ारा है बाकी बराबर का। तो चलिए फिलहाल अभी क्या है अपना नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं, और काफ़ी बड़ा होटल है भाई, दिखा देता हूँ मैं, देख लो कितना फाइव स्टार होटल जैसा दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए नाश्ते के लिए अंडा मंगाए, और ये पराठे और ये सब्जी वगैरह है, और रोनी भाई अपने साथ खा रहे हैं बैठ के। तो चलिए नाश्ता करके अभी घूमने जाएंगे आगे, एक बीच देखा उसका नाम फिलहाल मुझे पता नहीं है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं डॉल्फिन बीच पे, और एक पहाड़ है वहाँ पर, उस पर ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, इससे जो है सारा समुंदर दिखाई पड़ता है। तो अभी साइड में जा रहे हैं, तो ये नज़ारा है कुछ, और वहाँ पे है समुंदर। तो अभी हम रिक्शा से जा रहे हैं थोड़ी दूर के लिए, और देखते हैं अभी बताता हूँ मैं आपको डॉल्फिन बीच कहाँ पर है। हाँ चलिए, तो ये है सामने बीच का नज़ारा, अभी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बीच है, काफ़ी खूबसूरत बीच दिखाई दे रहा है इधर से। तो ये दिखाई दे रहा है आपको समुंदर, यहाँ पे दरअसल क्या है, तीन प्रकार के मतलब तीन तरह के पानी देखने को मिलते हैं, जो कि अभी उधर समुंदर में गए थे तो खारा पानी था, और इधर से साफ सीधा क्लियर है। तो ये कुछ व्यू पॉइंट है इधर। तो अभी जो है डॉल्फिन बीच पर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, और हिल्स पर मतलब पहाड़ पर चढ़ के जाएंगे ट्रैकिंग करेंगे। तो इस साइड में देख सकते हैं अभी फिलहाल एकदम साफ दिखाई दे रहा है समुंदर सारा, और उधर से थोड़ा तूफान भरा एरिया बनकर आ चुका, मतलब मौसम ख़राब हो गया है, मौसम को तो फिलहाल पता नहीं है। वो आंटी तो कम हुआ है, तो मेरा पॉकेट में हाथ दुखा रहा है। अच्छा, पॉकेट में तो कुछ नहीं। तो चलिए अभी इधर आ चुके हैं। क्या नाम है इस जगह का, हिमछोरी। तो हिमछोरी पहाड़ का नाम है ना। तो अभी जा रहे हैं इंछोरी भैया ना, नाम बताया पहाड़ का, तो अभी अंदर जा रहे हैं, और यहाँ तक आए थे बीच पे हम अभी। ये हिमछोरी के गेट है, ये बात में लेना आओ, हिमछोरी का गेट। तो ये हिमछोरी का गेट है भाई, अभी अंदर जा रहे हैं, वो देख सकते हैं सामने भी। तो अभी ये हमने फिलहाल अभी 30 का अभी टिकट लिया है। तो पंगा हो गया भाई, अभी टिकट लिया था मैंने, टिकट लेने में पंगा ये हो गया कि लोकल का तो यहाँ पे 30 का था, और फॉरेनर का था 170 का। तो जैसे ही मैं एंट्री कर रहा था वहाँ पर, उस भाई ने पकड़ा के, तुम हिंदी बोलता, तुम फॉरेनर हो, तो करने बोले तो फॉरेनर से बना कि हिंदी बोल रहे। तो मैंने एंट्री मैंने पूरी एंट्री ली थी, मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करने लगा तो उन्हें पता लग गया क्या मैं इंडियन हूँ। फिर उसके भाई, फिर उसके बाद जो है 170 मेरे से चार्ज कर दिए। कोई नहीं, मिस्टेक में ही वो सारा सब कुछ था। कल रात होटल में भी नहीं बताया था उन लोगों ने मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम नॉर्मली ऐसे लोकल बंदे के नाम पर ऐड कर दिया था।
तो वही चलिए, फॉरनर का तो 170 रुपये, लोकल का 130 रुपये यहाँ पर। तो कौन सा झरना है ये? टाप खाल। कौन सा कौन सा झरना है? चलिए अंदर झरने में जा रहे हैं अभी। तो इंडियन तो मैं भी हूँ, मैं तो फोन में क्या फोनर हूँ। सही बात है, ये तो मैं बोलना भूल गया। चलो वो तो चार्ज खैर करेंगे। चलो ये तुम्हारा बस सकते। तो स्पेशल मेरा टिकट ये है यार, नॉर्मल वाला वो दूसरा था 30 रुपए का। तो वही है। तो ये है भैया झरना आया मीन हिमचरी। तो इधर ही आए थे इस पहाड़ पे, हिल्स पे चढ़ने के लिए। तो चलिए फिलहाल ये जो झरना है भाई पहाड़ों के अंदर से बह रहा है, और जो कि म्यांमार बॉर्डर पड़ता है, मतलब यहाँ से म्यांमार उस तरफ में म्यांमार पड़ता है और इधर बांग्लादेश पड़ता है। तो ये झरना है, इसी झरने के लिए अभी तक हम यहाँ पर आए थे अभी फिलहाल। तो बाकी अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाना रहेगा। तो झरने के किनारे छोटी छोटी दुकान लगी हुई है यहाँ पर शॉपिंग की, और अभी उधर जा रहे हैं उस पहाड़ पे ऊपर। तो चलिए अभी जो है रोनी भैया जा रहे हैं साथ में, क्या नाम है पहाड़ का ऊपर? हिमचोरी का पहाड़ का सेशिमाना जा रहे हैं हम लोग, बॉर्डर का हिमचोरी पहाड़ है ये, और उधर से लगता है म्यांमार का बॉर्डर। तो काफ़ी बड़ा है, अभी चढ़ना पड़ेगा। सबके नसीबों में नहीं चढ़ा जाता है, हमारा नसीब में चढ़ना रहेगा तो मेरे भी चढ़ना। चलो भाई। तो ये नीचे का व्यू पॉइंट है कुछ, और ये है इधर का व्यू पॉइंट। काफ़ी सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं। तो हिल्स वाली एरिया में ये देख सकते हैं पहाड़ का की ये नज़ारा दिखा दे रहा है, वो सामने समुंदर है और ये है पहाड़ का नज़ारा। अभी जहाँ पर हम चढ़े हुए हैं, काफ़ी चढ़ाई चढ़ कर आना पड़ा, और वहाँ रोनी भैया आगे गए हैं। चलिए इधर से साफ दिखाई दे रहा है समुंदर, सारा सारा साइड दिखाई पड़ रहा है। चलिए चलते हैं, और अभी ऊपर आगे जाना पड़ेगा, वहाँ तक लास्ट पॉइंट तक घूमने जाएंगे। तो इधर में लगी हुई है दुकानें कुछ खाने के लिए, और ये सामने का व्यू पॉइंट। नीचे जा सकते हैं आप रास्ते में, लेकिन ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस वहाँ पर बैठने का हिसाब किताब है, और उधर से समुंदर दिखाई दे रहा, और वहाँ पर भी लास्ट पॉइंट है कुछ बैठने का। तो देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये अभी। हाँ क्या हुआ, क्या ले रहे हो? तो अभी नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है भाई, तो फुटबॉल बन रही पूरी, मतलब फिसल के जा रहे हैं यहाँ से। अरे देखो, मतलब स्पीड इतनी तेज बन जाएगी, गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इंटरनेशनल वीडियो लेके बैठे हैं वो। तो चलिए भाई फिलहाल यहाँ तक ही आए थे, और ये था कुछ व्यू पॉइंट, देख सकते हैं अभी। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मिस्टेक की वजह से जो है 170 रुपये का चार्ज लग गया ना फॉरेनर का है, मतलब जो टिकट लग गया वो गलत हो गया। वरना 30 रुपये में एंट्री मिल गई थी, मतलब 30 रुपये जो लोकल यहाँ पर लोगों के लिए टिकट फेयर होता है 30 रुपये का, उसमें एंट्री हो गई थी। लेकिन मैं तो वीडियो बनाने लग गया वहीं पर खड़ा हो गया, तो उन्होंने पहचान लिया, तो तुरंत ही मेरा 170 रुपये टिकट काट दिया। लेकिन इतना तो खैर नहीं है पहाड़ पर यहाँ कुछ देखने के लिए, बस ये छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, ये झोपड़ियाँ से बनी हुई है यहाँ पर बैठने के लिए, और कुछ चाय वगैरह है। और समुंदर में, मतलब यहाँ से समुंदर साफ दिखाई देता था, यहाँ से फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है देखने के लिए शहर का भी। तो बस ये यहाँ की खास बात है भी। तो ऊपर की साइड में भी आए थे तो ये व्यू पॉइंट दिखाई देता है यहाँ से, और सामने समुंदर, और उसमें दूरबीन से देखा जा रहा है अगर खड़े होकर। तो ट्राई करके कोशिश करूँगा कि यहाँ से देखा जाए, तो यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है, और जो है समुंदर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये हिल्स का सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर आने की इसलिए ही है कि यहाँ से आराम से पूरा समुंदर दिखा जा सकता है। तो चलिए फिलहाल अभी आ गए हुए हैं, और ज़्यादा बड़े सेफ्टी के रास्ते तो नहीं बने हुए हैं, देख सकते हैं अभी काफ़ी ख़तरनाक रास्ते बने हुए हैं, कच्चे रास्ते हैं ये। तो यहाँ पर ज़्यादातर बरसात की वजह से, बरसात में बंद हो जाता होगा ये एरिया, क्योंकि चलने लगते तो है नहीं भाई, कच्चे रास्ते हैं, तो भाई यहाँ पर कोई कैसे आ जाएगा, बारिश रहेगी तो फिसलन भरा एरिया रहेगा। बस ये थोड़े बहुत सेफ्टी पॉइंट बना रखे ताकि उधर को ना गिर सके पहाड़ों में को, और इधर से ना गिर सके। तो बस ये है, यहाँ से साफ समुंदर दिखाई पड़ता है, शहर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि समुंदर किनारे तो समुंदर ही दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से पूरा जो है लक्षद्वीप महासागर देख सकते हैं, अपना इंडिया साइड में तो इसको लक्षद्वीप महासागर ही बोलते हैं, बांग्लादेश साइड में क्या बोलते हैं भाई ने अभी तक बताया नहीं, कॉक्स बाजार के नाम से ही बताया समुंदर का नाम, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया बस। तो चलिए फिलहाल उस साइड में भी घूम लिए हैं, और अब कर रहे हैं वापसी यहाँ से। ये मैंने आपको दिखाई दिया था सारा व्यू पॉइंट अभी तक का, तो चलते हैं। तो ये
क्या नाम बताया था इसका, इंचुरी। मैं आपको नीचे दिखाऊंगा नाम अभी। अभी यहाँ पर बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं और झूले में जो है थोड़ा सा झूलते हैं। तो अभी फिलहाल इस साइड में बैठे थे और ये भाई मिले हैं, मिल गए, मेरा चैनल वगैरह सब्सक्राइब करा, उन्होंने देखा मैं इंडियन हूँ तो उन्होंने बातचीत करी। तो अपना इंट्रोडक्शन करा। इंट्रोडक्शन नेम नेम बोल दो। मेरा नाम घबरा रहे हैं भैया कैमरे के आगे बोलते हैं। नाम भाई मोहम्मद बांग्लादेश से। मैं बांग्लादेशी हूँ भाई, को सबको मैं भाई को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलकर काफ़ी अच्छा लगा भाई लोगों से। चलते हैं अभी। चलो तो अभी निकलते हैं नीचे की साइड में, मिलते हैं आगे यहाँ से उतर के। तो अभी ये था नीचे का नज़ारा कुछ, और अभी हम इस साइड से जाने वाले हैं नीचे को। यहाँ से अभी निकलने वाले हैं वापसी के लिए। तो ये रास्ता है, हमें सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा यहाँ से वो नीचे से। तो चलिए उतरते हैं। चढ़ने में तो खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रास्ता तो खैर नहीं था, ये देखा जाए 500 मीटर का था लगभग, और काफ़ी सीढ़ियाँ थी और थोड़ी मेहनत तो लगी थी खैर चढ़ने में। जो भी यहाँ चल रहे हैं उसके तो रोनी भाई अपने साथ आगे जा रहे हैं। तो इधर में जो दुकानें लगी हुई है ये व्यू दिखाई देता दिखाई पड़ता है अभी नीचे से। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो समुंदर आपको दिखाई दे रहा हो साइड में, बीच जो बीच है वो साइड में से दिखाई दे रहा होगा। तो ये नाम था जहाँ पर हम ये आए थे, मेरे को तो पढ़ने नहीं आती, तो मैं रोनी भाई से पता करके बताता हूँ जगह का नाम क्या था। क्या नाम था इसका? हिमचौड़ी। हिमचौड़ी तो हिमचौड़ी हिल्स था जहाँ पर हम आए थे। तो दिखा दिया बस यहाँ तक का टूर था। अब नेक्स्ट कहाँ का प्लान है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलते हैं वहाँ जाकर। अभी फ़िलहाल तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, और ये है बीच का नज़ारा इस साइड में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।